बताइए हमसे, 3 साल में हम लोग फीस जोड़ रहे हैं, 21,000 रुपए फीस ली जा रही है, जिसमें एक बार के बाद 5,000 दी गई है। अब 21,000 में से 5,000 आप घटा लीजिए, कितना बचा? तो लंच में सोया मेथी की सब्जी, मूंग की दाल, रोटी और ये रहा हरीरा। कुछ लोग जानते होंगे इसे हरीरा कहते हैं, किसके किसके क्या क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। ये सर्दी में बहुत फायदा करता है, तो माँ जी ने बनाया हुआ है मेरे लिए। हमें ये पिंकी मौसी हमारी बोतल हाथ से उठा के दिखा रही है। इस बोतल में पता नहीं, भैया भैया जानवरों से हम लोग प्यार करते हैं, ये लोग कुत्तों के भगाने के लिए बोतल रखे हैं, ना इंसाफी है। इनको रात में छत पे आना है, तो अब श्रेयस को हम लोग नेबुलाइज करा रहे हैं। श्रेयस को काफी ज्यादा कोल्ड हो गया है और दवा। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग वीडियो। अभी मैं बना रही हूं चाय, चाय बन के रेडी हो चुकी। कटोरी मैंने निकाल ली है, इतनी नहीं पी पाऊंगी, थोड़ी मम्मी जी को दे देती हूँ। तभी मैं जा रही हूँ कॉलेज और मिलते हैं आपसे कॉलेज में, ठीक है? क्योंकि अभी बस मैं रेडी तो हो चुकी हूँ। देखिए ये सब्जी कटी हुई रखी है, आज ये मिक्स वेज बनना है, ठीक है? अभी मैं निकलती हूँ कॉलेज और आपसे मिलते हैं कॉलेज में या फिर रास्ते में, ठीक है? अभी मैं बस मिलूंगी आपसे, तो वेट करो। रेडी मतलब रेडी हो गई थी। देखिए आज श्रेयस ने क्या किया मेरे पे, आप चोट मार दी। सब लोगों को लगता है ना श्रेयस बहुत सीधा है, मतलब उसने क्या ऐसे करके मुझे नोचने की कोशिश की, गाल पे तो चोट लग गई मुझे। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और अब मैं जा रही हूँ कॉलेज की ओर। मास्क लेना भूल गई, मैंने मम्मी जी को आवाज़ दी, मम्मी जी मास्क दे देंगी। चाय पी ली है, पानी की बॉटल रख ली है, पानी पिया है। चाय पी के बस चाय और 2 बिस्किट खा के निकल रही मैं। टाइम हो रहा है 11:20, ठीक है? अब यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं कॉलेज। पहले अपनी फ्रेंड को पिक कर रहा था, बट फ्रेंड को 11 बजे कोचिंग से निकलना था, मुझे हो गया लेट, तो वो कोचिंग से निकल के रोड पे कहाँ रहती, तो वो चली गई कॉलेज। अब मुझे सीधे यहाँ से जाना है कॉलेज, फिर जाना माँ जी के पास, तो चलिए चलते हैं सीधा। उनका फाइनल पिन निकलाने आए थे। ये रही मेरी दोस्त, हमें समाज कल्याण विभाग के खिलाफ शिकायत करनी पड़ेगी, धरना प्रदर्शन करना होगा, समाज कल्याण हाय हाय। पता कह रहे हैं कि अंडर ग्रेजुएट में आता है LBA और BA, ठीक है? तो हम लोगों को BA स्कॉलरशिप अगर ली थी हम लोगों ने, 2014 मेरा BA कंप्लीट हुआ था, तो अब स्कॉलरशिप नहीं देंगे। बताइए कौन सी बात हुई, क्यों समझना? हमसे फीस पूरी ले रहे हैं, BA में फीस लेते, LBA में फीस ना लेते, पूरी फीस मारी गई। अब इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा, समाज कल्याण विभाग हाय हाय। ये वीडियो को वायरल कीजिए, समाज कल्याण विभाग के खिलाफ केस कीजिए, ठीक है? और चलिए अब फिर चलते हैं यहाँ से कॉलेज से। अच्छा ये पूरा मतलब सेट पैक होके आने लगा है CLP का? ये पैक करके इन्होंने दिया यहाँ पे, हम परेड से लिखा पैक। अच्छा आप लोग ये पैक करके देते हैं? पैक करके इजी नोट का पैक होके नहीं आता, रबड़ लगी थी ये नहीं लगा। इजी नोट का पैक होके नहीं आता, ये हुआ है कॉलेज वाले हमें स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं। ये रहे हमारे मित्रगण महेंद्र और ये मैडम। तो बताइए फिर होगा क्या? हम SG कॉलेज में खड़े हुए, ये SG कॉलेज है, SG कॉलेज के खिलाफ तो हम नहीं कर सकते कोई शिकायत, लेकिन हाँ यूनिवर्सिटी के खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए। क्यों महेंद्र, पैसा मार रहे हैं कि नहीं गरीबों का? चलिए हम लोग थोड़ा पैसे भरने में, मान लीजिए हम लोग फीस भर सकते हैं अपनी, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फीस नहीं भर सकते, ठीक है? वकालत करके जैसे तैसे अपनी रोजी रोटी उनके माँ बाप चला रहे हैं कि चलो कुछ पैसा मिल जाता है, कुछ भरना पड़ता है। अब बताइए हमसे 3 साल में हम लोग फीस जोड़ रहे हैं, 21,000 रुपए फीस ली जा रही है, इसमें एक बार केवल 5,000 दी गई है। अब 21,000 में से 5,000 मतलब बताओ केवल 5,000 दी है, दिमाग खराब हो चुका है ना? कि बताओ क्या होगा है? 16,521 है, 16,000 केवल हम लोग को देना पड़ रहा है, मतलब पूरा देना पड़ रहा है, केवल 5,000 दिया गया, तो इतना मूड खराब है। कॉलेज में आए कुछ नहीं हो रहा, फॉर्म स्कॉलरशिप वगैरह नहीं मिलेगी, बहुत अपसेट है। यहाँ चलती मैं सीधा घर और बहुत उदास है हम लोग। बताओ पैसा चला गया, 5,000 रुपए आ जाते तो पार्टी कर लेते, सौम्य को भी खिला देती कुछ। हंस रही हो? दुखी हो? स्कॉलरशिप नहीं चली, सीधे यहाँ चलते हैं घर, पूरा मूड हो चुका है। मैं आ चुकी हूँ घर, मैं खा के आ रही हूँ, मतलब मैं कॉलेज से निकल के माँ जी के पास आ चुकी हूँ और मैं कर रही हूँ अभी लंच। तो लंच में सोया मेथी की सब्जी, मूंग की दाल, रोटी और ये रहा हरीरा। कुछ लोग जानते होंगे इसे हरीरा कहते हैं, किसके किसके क्या क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। ये सर्दी में बहुत फायदा करता है, तो माँ जी ने बनाया हुआ है मेरे लिए। मैंने बनवाया था कि बना दो इससे मतलब बैक पेन वगैरह जो है और जो भी प्रॉब्लम होती है पेट में, होता है ना बॉडी में, सर्दी में बहुत रिलैक्स देता है, तो ये खाऊंगी मैं। तो फटाफट मैं कर लेती हूँ लंच, खा लेती हूँ और टाइम हो रहा है दोपहर का 2:30, कोशिश करूंगी 2:30 बज रहा है वो देखिए, कोशिश करूंगी मैं यहाँ पे निकल जाऊँ 3 बजे, नहीं निकल पाई तो 3:15-3:30 तक। कर लिया यहाँ पर लंच और माँ जी के घर से मैं निकल रही हूँ। ये देखिए माँ जी ऊपर है बालकनी में कुछ बात कर रही है किसी से। यहाँ से निकलती हूँ मैं सीधे घर की तरफ और स्टूडेंट लग रही हूँ आज मैं पूरी, मतलब स्टूडेंट लग रही हूँ माँ जी पूरी।
चलिए मैं चलती हूँ सीधे यहाँ से। कहाँ कुछ दिखाना चाहूंगी, ये देखिए, ये आपको दिख रही है, ये लाल रंग की बोतलें, ये हर घर पे रखी हुई है। पता नहीं यार क्यों रखे रहते हैं, कह रहे हैं इसको आने से कुत्ते नहीं आते, मतलब डॉगी से इतनी प्रॉब्लम है। बताइए हम लोग इतना प्यार करते हैं डॉगी को। ये बहुत सारे लोग देखिए रेड रेड बोतलें रखे रहते हैं, माँ जी इस घर के बाहर नहीं रखी है। माँ जी इधर घर की बोतल नहीं है, अच्छा इस घर में बोतल मिसिंग है, वरना हर घर में बोतल रखी है। उधर दिखाऊं आपको, ये देखिए कुर्सी के नीचे बोतल रखी है। ये हमारी पिंकी मौसी है, ये पिंकी मौसी घर के बाहर ही बोतल रखी हुई है। ये पिंकी मौसी हमारी बोतल हाथ से उठा के दिखा रही है। इस बोतल में पता नहीं, भैया जानवरों से हम लोग प्यार करते हैं, ये लोग कुत्तों के भगाने के लिए बोतल रखे है, ना इंसाफी। मैं आ चुकी हूँ घर, हालत देखिए, घर आते आते क्या हो गई, मम्मी ने पर्दे बंद रखे, बंदर आया ना मम्मी मेरे सामने से, अभी एक बूंद रहा था तभी देखा मैंने, तो मैं कर लेती हूँ चेंज करके फिर थोड़ा रेस्ट करूंगी, रेस्ट करके फिर मिलते हैं। मन हो चुका रेडी और मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए कुछ दिख रहा है श्रेष्ठ, मैंने बता दिया इसकी, श्रेष्ठ ने मेरे सुबह ऐसे करके गाल पकड़ लिए तो मेरे चोट लग गई है। हाँ उन दोनों को सुला दिया। अच्छा ये देखिए इन्होंने क्या कर रखा है, ये वो टैडी है वो स्माइली है, इन्होंने कह रहे हैं मैंने उन दोनों को सुला दिया, आज ये बहुत रोए, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, कोल्ड इन्हें बढ़ चुका है, और मैं अभी चाय लेके आ चुकी। मम्मी आपकी चाय उधर ही है मम्मी, तो ये रही मेरी चाय, और मैं देख के आ रही हूँ आपको दिखाती हूँ, एक मिनट कोशिश करती हूँ। ये देखिए क्या दिखा रही हूँ मैं, राजा ब्लॉग्स की वीडियो देख रही हूँ और दिखा भी रही हूँ आप लोगों को। देखिए तो राजा ब्लॉग मैं देख रही हूँ और इनके बारे में मुझे कुछ आप लोगों को बताना भी है। इवन ये इनर पहना हुआ है, अब आज से मेरे ठंडी स्टार्ट, आज कितनी तारीख है मम्मी, 17-18 कितनी है, 19 है, तो आज 19 ही है मुझे, हाँ आज 19 है मुझे, 16 ही याद थी पता नहीं क्यों, क्योंकि 16 को शायद मुझे कॉलेज जाना था इसलिए, तो आज है 19 तारीख। तो मुझे राजा ब्लॉग के बारे में कुछ बताना भी है आप लोगों को, तो कितने झूठे हैं राजा ब्लॉग, ठीक है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, उसका एक स्पेशली मैं वीडियो बनाऊंगी, तो आप लोग वो देखिएगा जाके, कितने बड़े बड़े ब्लॉगर कितने झूठे हैं, आप लोग उनको सपोर्ट कर दें, हम लोग सच्चाई दिखाते हैं तो आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करते, तो ये गलत चीज है। तो चलिए अभी इस चीज को बाद में, इस टॉपिक को रखेंगे, ठीक है, अभी पी लेते हैं चाय और श्रेष्ठ को भी नेबुलाइज कराएंगे, मम्मी करा दे नेबुलाइज, हाँ उससे क्या होगा कोल्ड इनका जो कफ है वो गल जाएगा ना, गल के शायद निकल जाता है, तो अभी हम इनको नेबुलाइज कराने वाले हैं, पहले चाय पी लेते हैं, देखिए खुद क्या कर रहे हैं। हाँ क्या कर रहे हो आप, मुझे लगा खुद जैकेट पहनेगा, अपने टैडी को जैकेट पहना रहा है, भाई साहब बेटा इतना महान है मेरा कि पूछिए मत। आप श्रेष्ठ ले रहे हैं भाव, श्रेष्ठ क्या कर रहे हो, श्रेष्ठ को हम लोग नेबुलाइज करा रहे हैं, ले रहे हैं। अच्छा श्रेष्ठ नेबुलाइज करा रहे हैं, यस, और कब कर जा रहे हैं, हाँ अभी इनको रात में छत पे आना, तो अब श्रेष्ठ को हम लोग नेबुलाइज करा रहे हैं, श्रेष्ठ को काफी ज्यादा कोल्ड हो गया है और दवा इनकी एक ही थी, आज जल्दी हो जाएगी मम्मी, तो उसकी दवा मंगानी पड़ेगी। हाँ तो आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, क्योंकि अभी अब क्या स्ट्रेस का ध्यान रखना, ब्लॉग अगर बनाते रहेंगे तो एडिट करने में भी टाइम लग जाएगा, तो अभी क्या करते हैं ब्लॉग यही एंड करते हैं, अब हम इसके बाद डिनर करेंगे। हाँ तो पापा जी का फास्ट है, क्या खाएंगे मम्मी, आलू खाएंगे, तो पापा का आलू मम्मी फ्राई कर देंगे, फ्राई कर रहे तो फ्राई को फिर ऐसे कर लूंगी मैं, चावल नहीं खाएंगे आज तो, बिल्कुल चावल नहीं खाने, देखा तो कह रहे हैं चावल खा दे, ठीक है तो बाबू को भाप दिला दे, हम लोग नेबुलाइज करा दे मतलब मम्मी, और अरे हाँ मैं आपसे कुछ कहना भूल गई थी, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग प्लीज, ओके बाय।